चलिए आप खबर पानीपत से है, जहां दो नौकरों ने शराब ठेकेदार मालिक को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे मालिक बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी लाखों की नकदी, पिस्तौल और कारतूस चुरा कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद ऑफिस में लगी दो LCD टीवी स्क्रीन को तोड़कर पानी में डुबोकर फरार हो गए। वहीं कुछ देर बाद जब मालिक होश में आया तब पुलिस को वारदात के बारे में सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो करीब उन्होंने रात के 3 बजे हमारे इस उर्ले रूम के जहाँ अकाउंटेंट और हमारी सेफ रखी हुई अलमारी है यहाँ पे उन्होंने तोड़ा और उसको गेट को तोड़ा, उसको लॉक को तोड़ा, सब उसको तोड़ के उन्होंने इसमें घुसे। इसमें कैसे कह रहा 82 तरह से करीब जो छोटे नोट थे 10-10 के 20-20 के और एक पिस्टल थी 32 बोर की, उसके साथ में 2 मैगजीन थी और वो इसमें लॉकर में रोक के और हमारा मेरा भांजा था उसका लाइसेंस था वो और वो चंडीगढ़ कुछ काम के लिए गया था दिन में तो वो वहाँ जाने ले जा नहीं सका था उसने यहाँ पिस्टल यहाँ रख के अपने लॉकर में रख के तो उस लॉकर को खड़ा उस पिस्टल को निकाल के ले गए उस कैश को ले गए। कल हमें कंप्लेंट मिली थी 253B हाउस नंबर में कोई दारू के जो ठेकेदार है उनके वहां पर कोई एक लेबर रहती थी। वो लेबर रात को उनके दराज से तकरीबन 5 लाख समथिंग पैसे ले गए, एक वहां पर उनकी जो पिस्टल थी वो उनको भी ले गए। मौके पर हम गए हैं, CIA2 टीम भी आई है, हमने FIR दर्ज कर ली है, आप इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है जो होगी। तो पानीपत से है ये खबर, जहां पर मालिक के साथ नौकरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, खाने में नशीला पदार्थ देकर तिजोरी से नकदी और पिस्तौल चुराकर फरार हुए। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, सामान सारा बिखरा हुआ है। नौकरों ने मालिक के साथ विश्वासघात किया, खाने में नशीला पदार्थ डालकर मालिक को बेहोश करके कीमती सामान लूट कर वहां से फरार हो गए।